की शाम की सब्जियां हैं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, अच्छे ही होने चाहिए। और आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है मेरे गांव से, जिसका नाम है परकंडी। और जहां तक जो मेरे नए सब्सक्राइबर है, उन लोगों को अगर मेरे गांव का नहीं पता तो मैं बता दूं कि मेरे गांव का नाम है परकंडी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और बहुत ही खूबसूरत सा गांव है। जिन लोगों ने नहीं देखा अभी तक, तो उन लोगों को मैं दिखा देता। बाकी यहां से लेके यहां तक है मेरा पूरा गांव, और इसके पीछे की साइड भी है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा, तो ये है मेरा गांव जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और इस गांव का नाम है परकंडी। और तो 11 गांव की जो ग्राम सभा है वो मेरे गांव में है। तो ये है मेरा पूरा गांव। बाकी नए सब्सक्राइबरों ने मेरा जो गांव है वो देख लिया होगा। और अभी मैं हूँ अपने गांव के हॉस्पिटल में, एक छोटा सा हॉस्पिटल है तो वहाँ पे हूँ, क्योंकि यहाँ से जो है आपको गांव का पूरा जो नज़ारा होता है वो दिखाना था। और अभी यहाँ से जा रहे हैं हम अगस्तमुनी के लिए, थोड़ा सा वहाँ पे बैंक में काम है, तो बैंक का काम जल्दी से निपटा के फिर देखते हैं क्या प्लानिंग होती है, फिर मिलेंगे आपको। और मेरे साथ अभी है पंकज भाई जो कि अभी आगे पे है, और ये मेरे गांव का छोटा सा स्टेशन जहाँ पे सारी गाड़ियाँ जो है पार्क होती हैं, यहाँ से लेके पूरा इधर तक। अगस्तमुनि से हम वापस आ चुके हैं, और अभी हैं हम बांसवाड़ा में। तो यहाँ पे थोड़ा जो वॉलीबॉल का ब्लाइडर होता है उसको लेने आए हैं। जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं तो शाम के टाइम पे खेलते हैं वॉलीबॉल, तो बच्चों के लिए तो एक ब्लाइडर तो बनता ही है, तो यहाँ पे अभी ले रहे हैं। हो गया ना? बैठे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने गांव का जो भदुड़ी धार है वहां पे। और जो बैंक का काम था, ज़्यादा काम नहीं था, थोड़ा सा काम था, उसको जल्दी से जल्दी निपटा के हम निकल गए हैं, क्योंकि घर में भी अभी थोड़ा बहुत काम है तो उसको भी निपटाएंगे। और आपको मेरे पीछे जो अलकनंदा नदी है उसका बहाव देख सकते हो आप। तो ये है अलकनंदा नदी, तो इसका बहाव इतना तेज़ हो चुका है आजकल, जो मानसून होता है, मानसून के बाद जो पानी का जो जल स्तर होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि आपको भी पता है, जैसे मानसून स्टार्ट होता तो पहाड़ों में जो है बारिश के कारण जो है जगह जगह से जो गदेरे होते हैं, नाले होते हैं, उनका पानी अलग जगहों से आके जो नदी है उसमें आ जाता है। और पानी देखिए आप, इतना तेज़ और बहाव देखिए आप कितना ज़्यादा हो रखा है। और ये जो लाइन देख रहे हैं आप जो नदी के ऊपर है, ये है केदारनाथ वाली लाइन। तो अगर आप लोग यहाँ आते हो तो केदारनाथ और बद्रीनाथ और तुंगनाथ के लिए ये रोड जाती है। वैसे तो ऊपर के लिए भी जाती है बद्रीनाथ और तुंगनाथ के लिए। भी धूप लगी हुई है काफ़ी ज़्यादा, और शाम के टाइम पे मौसम ऐसा हो जाता ना कि पता भी नहीं चलता कि कब बारिश आ गई और कब मौसम चेंज हो गया। और अब निकलते हैं हम यहाँ से घर के लिए, चलें। चलो फिर। A few moments later. तो दोस्तों अभी है शाम का समय, और वहाँ से आके भदुड़ी धारे में तो बताया था मैंने कि यहाँ पे पहुँच चुके हैं। उसके बाद मैं घर आया, खाना खुना खाया और एक मस्त सी नींद मारी,
और जैसे मैंने बताया था कि उसी टाइम पे जो है धूप लगी हुई थी और बोला था कि शाम को टाइम पे मौसम ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल बारिश वाला। और स्टार्ट हो चुकी है जहाँ पे वो सफ़ेद सफ़ेद बादल जैसे दिख रहे हो, बादल नहीं है जबकि वो बारिश है। और यहाँ भी यहाँ तक आने में इसे 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। और हमारे इधर जो है बारिश दो जगहों से आना स्टार्ट होती है, एक नीचे की साइड से और एक केदारनाथ साइड से। आज नीचे की साइड से आ रही है, देखिए कितनी भयंकर वाली बारिश आ रही है। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे यहाँ तक आने में। जो बारिश आई है ना 5 मिनट के लिए आई है, पता नहीं चला बारिश कब आई और कब चलेगी। अभी मैं जा रहा हूँ अपने गांव के जो धारा है तो वहाँ जा रहा हूँ, तो आप लोगों को दिखा देता हूँ कि धारा का जो पानी है वो मैंने जब दिखाया था कि तब कितना था और अभी जो है कितना हो चुका है मानसून स्टार्ट होने के बाद। और मेरे पीछे आप देख सकते हो, आ जा। चल, हम पहुंच गए अपने गांव के धारा में और आप लोगों को भी दिखाना जरूरी था कि जो पानी था वो कितना बढ़ गया है। अबे अभी वीडियो बनाना स्टार्ट करा और बारिश लगनी फिर से स्टार्ट होगी, इससे पहले बारिश आए जल्दी से जल्दी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पहले कितना था पानी, अभी कितना हो चुका है ये देखिए आप। थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और कुछ टाइम तक जैसे मानसून तो अभी स्टार्ट ही हुआ है और पानी देखिए इतना बढ़ गया है। और कुछ टाइम तक मानसून ऐसी रहा ना तो पानी का जो जल स्तर होता है वो इतना तक बढ़ जाएगा। हाथ में दोगे, मैं हो गया हूँ रेडी और इसके बाद जो है भरते हैं पानी और निकलते हैं फिर घर के लिए। यहाँ पे अभी शाम की सब्जी जो है तैयार करी जा रही है। क्या निकाल रहे हो, भिंडी? ये देखिए किस तरह से यहाँ पे खेती करी हुई है और अपने फायदे के लिए ही ये सब्जियाँ ऐसी होती ना जैसे मार्केट साइड में कि वो सुई वाली सब्जियाँ होती है कुछ कुछ। देखिए इतनी भिंडियाँ अभी तक निकाल दी हैं जो कि शाम की सब्जियाँ हैं, है कि नहीं? काख टेंट माती तो यहाँ से लेके पूरे ऊपर तक पूरी भिंडी कर रखी है और इस साइड बीन्स हो गए और हमारे गढ़वाली भाषा में बोलते हैं मुंगरी, तो यहाँ पे मुंगरियाँ लगाई गई हैं इस साइड पे। मिर्च भी है, टमाटर है, इतनी सी कुछ भिंडियाँ शाम की जो सब्जी होती है उसके लिए निकाल दी गई हैं और इसकी शाम को मस्त करके सब्जी बनाई है। एक चीज़ है जिसको गढ़वाली भाषा में गोसा भी बोलते हैं, तो इसको जो है गाय के जो गाय का जो गोबर होता है उससे थेपा गया और ये जलाने के काम आता है, जिसे मच्छर भगाने के लिए मोर्टिन वगैरह यूज करते हैं। तो हमारे पहाड़ में ना ये देखिए इससे मच्छर भगाए जाते हैं, ये देखिए वो ये बहुत अच्छा काम करता है। तो इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना रखते हुए करता हूँ मैं अपनी इस वीडियो को एंड। उम्मीद और आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें,
शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Yeah.